तो गाइस संधु बाजी ने तो आखिरकार काट ही दिया भाई खेत। और तो लोग गाइस पहुंच गए भाई उसके पास, काफी दूर है भाई काफी टाइम लग गया पहुंचने में यार। तो लोग गाइस मैंने भाई एक हार्वेस्टर और लगा दिया यहाँ पर, क्योंकि भाई खेत काफी बड़ा है और इसको काटने में बहुत टाइम लग रहा है। इसको हटा लेंगे जल्दी से, आ जा जल्दी जल्दी जल्दी, पीछे कर। एनिमल डीलर, ओ भाई ये बछड़े, इसके ऊपर हम नहीं बैठ सकते क्योंकि हमारा नहीं है ये, वैसे ही भाई ने बना रखा है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है भाई आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। वेलकम बैक टू स्टार्स गेमिंग चैनल और मैं हूं आपका दोस्त स्टार। तो दोस्तों आज हम खेलने वाले हैं फार्म सिमुलेटर 19 और ये है वाइल्ड वेस्ट सेक्शन एक्स मैप। आज हम करेंगे 1,000 मिलियन डॉलर चैलेंज की शुरुआत। लेकिन भाई मैंने जो वेस्टर्न मैप देखा था 64X का, वो उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम थी। उसके ऊपर जब घोड़े पे बैठो तो मैप गेम हैंग हो जाती है। जब गेम को एक बार आप स्टार्ट करके सेव करके दोबारा मैप को स्टार्ट करते हैं यानी कि रीस्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है कि जो सेल पॉइंट हैं, जो मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट का और सेलिंग स्टेशन एक उसमें था, वो सब गायब हो जाते हैं। तो पता नहीं उसके अंदर अभी बहुत सारे और भी एरर हैं। कई लोग कहते हैं कि उसके अंदर जब आप जानवर खरीदते हो, एनिमल खरीदने के बाद वो एनिमल भी गायब हो जाते हैं। तो मैंने उस मैप को अभी छोड़ दिया भाई, मैंने उस मैप को 6-7 घंटे तक ट्राई किया, बहुत सारे एरर थे, मैंने उसको अभी उसको फिलहाल छोड़ दिया। तो जब वो मैप फिक्स हो जाएगा तब उसके अंदर कोई और चैलेंज करेंगे। तो अभी तो हम करने वाले हैं वाइल्ड वेस्ट के अंदर, मैंने एक बिल्कुल नया मैप स्टार्ट किया है, पुराना जो था मैंने सब हटा दिया। तो इसके अंदर भाई कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है मैप के बारे में, तो एनिमल पेन एक्सटेंशन, तो ये मोड मैंने लगाया था, ये वाइल्ड वेस्ट, ये वेस्ट एंड मैप से मिला था मुझे। तो ये भाई अपना मैप वाइल्ड वेस्ट, इसके अंदर ही करेंगे भाई। ये 16X है 4 किलोमीटर बाई 4 किलोमीटर का, और ये आ रहे हैं शुरू में मैप क्रिएटर जिन्होंने बनाया है। और इसके अंदर हमें, मैंने आपको दिखाया था, मुर्गियां हैं, बकरे हैं, जानवर हैं, उसके अंदर गधे भी थे वेस्ट एंड मैप के अंदर गधे भी थे। चलो चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं यार अपनी लैंड कौन सी है, और नीचे चलते हैं यहीं से फटाफट शॉर्टकट मार के। ये भाई मैं तो शॉप के ऊपर चढ़ गया, तो आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसके अंदर शॉप होती है अपनी, और यहाँ पर अपने सामान खड़ा हुआ है, तो अभी दिखाता हूँ सामान क्या क्या है। ये अपने भाई गैरेज हैं यहाँ पर, गैराज, तो कई सारे गैराज हैं इसके अंदर। इसमें अपना हेडर और ये पड़ा हुआ है, तो देखेंगे 1,000 डॉलर इसके अंदर कैसे कमा सकते हैं हम। और इसके अंदर काफ़ी सारा सामान पड़ा, ट्रक भी खड़ा है भाई एक, और इधर खड़े हैं भाई अपने, ये साइलो हो गई, इधर अपने ट्रैक्टर ट्रेलर और हार्वेस्टर सीडर प्लांटर बेलर भाई सारा सामान खड़ा है। ट्रैक्टर इसके अंदर एक है, तो बिल्कुल नया मैप है। और ये इसके अंदर पैसे कम कैसे हो गए, 97 पॉइंट, ये 1 लाख होने चाहिए थे। तो एक मिनट, ओह सॉरी, तो गैराज में चलता हूँ एक बार यार, फटाफट से देखते हैं इसके अंदर क्या क्या सामान है। तो इतने सारे ट्रैक्टर दे रखे हैं हमें, तो लेकिन मेरा सामान ट्रैक्टर तो नज़र नहीं आ रहे, और ट्रैक्टर बाकी कहाँ है, अच्छा इधर है। तो अभी अपने पास देखते हैं लैंड कितनी है, चलते हैं इसके अंदर एक बार। और तो मेरे पास 7 नंबर और 11 नंबर खेत है, तो चल के पहले देखना पड़ेगा दोनों पे क्या लगा हुआ है। वैसे तो यहीं से भी देख सकते हैं इसको करके, तो 7 नंबर और 11 नंबर पे भाई यहाँ पे लगी है गेहूँ 7 नंबर पे, एक मिनट 7-11, अच्छा पहले यहाँ पर भी होता था ये मैप, लेकिन इन्होंने यहाँ पर गॉट और डक का बना दिया, बतख भी है इसके अंदर। तो 11 नंबर पे क्या लगा हुआ है, फ्रूट टाइप इसके, ये मल्टी फ्रूट मैप है भाई, इसके अंदर सारी फसलें हैं। तो इसके अंदर ब्लू सा कुछ दिखा रहा है, ऑनियन लगे हैं क्या, ऑनियन भी हो सकते हैं, राइस भी हो सकते हैं, दोनों ब्लू ब्लू हैं, पता नहीं है क्या लगा हुआ है। और यहाँ पे लगी है शायद व्हीट 7 नंबर पे, तो एक बार चल के देख ही लेते हैं जल्दी से, पीछे ही है, भाग के चलते हैं और अपना प्लांटर वांटर लेके चलते हैं, बाद में देखेंगे अपने सामान और लेके आएंगे। तो उसमें कमाने 1,000 मिलियन डॉलर चैलेंज। तो ये दिखा रहा है इसके अंदर हमें वीट लगी है, रेडी टू हार्वेस्ट है, और ये वीट हमें मिलेगी 1,62,000। तो अभी चलता हूँ दूसरे खेत के अंदर, एक बार देख लेता हूँ कौन कौन से हार्वेस्टर चाहिए इसके लिए। तो यहाँ पर जानवर भी हैं बहुत सारे, उनके जानवरों के बारे में बाद में सोचेंगे। और इसके अंदर भी मोड वोड काफ़ी सारे हैं, वो देखेंगे बाद में। तो ये लगा हुआ भाई प्याज, रिमूव टॉप्स, तो ये प्याज ही लगी हुई है, ठीक है। तो चलते हैं एक बार वापस किसी ट्रैक्टर के अंदर, और यहाँ पर आके देखते हैं। अब हार्वेस्टर अपने पास भाई एक हेडर पड़ा हुआ है यहाँ पर, और हार्वेस्टर एक ही है,
तो प्याज काटने के लिए अपने पास कुछ नहीं है अभी। अच्छा, तो एक बार गैरेज में चल के देखता हूँ जरा। हाँ भाई, कौन कौन से हार्वेस्टर क्या क्या दे रखा है इन्होंने। तो ये हेडर दे रखा है जो ये फसलें काटेगा, लेकिन जो मल्टी फ्रूट फसलें हैं जैसे गाजर, शुगर बीट वगैरह, वो काटने के लिए भाई ने कुछ नहीं दे रखा। ये दे रखा है एक कल्टीवेटर, और ये प्लांटर है जो सारी फसलें लगाएगा शायद। ये प्लांटर है, ये सीडर है। तो ये प्लांटर हो गया, लेटिस वगैरह, टमाटर भी है इसके अंदर, और ये मोड लगे हुए। अच्छा, चिकन का कूप लगा हुआ है, 500 की कैपेसिटी है, घोड़े की 16 की कैपेसिटी है, और पेन ड्यूक डक, अच्छा डक वाले की 450 है। अच्छा डक ड्यूक डक है भाई वो, काल्ब्स। तो ये कैल्स, कैल्स क्या होता है भाई? और ये पिग गॉट, और काऊ का, काऊ की कैपेसिटी कितनी है? 450। और काऊ पेस्चर है, ये गॉट है, काऊ की 500 और इसकी 450 है बकरियों की। और ग्रेन साइलो की कैपेसिटी है 9 मिलियन, बाप भाई वाह। और ये शेड वगैरह हो गए, और कैटल गार्ड स्मॉलर। तो कैटल गार्ड ये कहाँ पे लगा हुआ, अब ये नहीं पता, अभी देखते हैं कहाँ पे लगे हैं ये। और ये हो गया अपना घर। तो हार्वेस्टर कहाँ चला गया इसमें? अच्छा, इसमें टेडर वगैरह भी दे रखे हैं। ये अगर हम अपने जानवरों के लिए घास वगैरह काटनी चाहिए चाहें तो भाई घास भी काट सकते हैं। तो ये है भाई हार्वेस्टर, ये तो बहुत ही हल्का है, छोटा है, इसको हटा देते हैं एक बार। और भाई इतना छोटा नहीं चलेगा, ये भी हटा देते हैं। और अपने पास अभी हमें चाहिए एक हार्वेस्टर प्याज काटने के लिए, और एक चाहिए भाई गेहूं काटने के लिए। तो मुझे जाना पड़ेगा शॉप पे। तो अब शॉप पे जाओ या मैं शॉप का मोड़ लगाऊंगा, क्योंकि भाई बार बार शॉप पे जाके सामान लेके आना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। तो प्याज काटने के लिए मेरे पास एक ही मोड़ है अभी, तो कोई और दुनिया के अंदर कोई इससे अच्छा मोड़ नहीं है, यही वाला है। इसकी कैपेसिटी मैं बढ़ा लूँगा और इसको ले लूँगा किराए पर। तो ये भाई, इससे अच्छा मोड़ अभी तक कोई नहीं आया है। अगर आपके पास कोई हो तो लिंक देना, मैं उसका नया नाम बता देना, मेरे को लिंक मत देना। तो ये आगे भी अपना ओनियन काटने का, तो इसको लेते हैं किराए पे। और हमें चाहिए एक, पहले इसको लगा लेते हैं एक बार, क्योंकि थोड़ी जगह खाली हो जाएगी। तो प्याज काटते हैं आज, बेचते हैं, फिर जानवरों के बारे में देखते हैं कि साइलो मास्टर से ला के देंगे या फिर खुद बनाएं। तो आप कमेंट करके बताना कि जानवरों को जो खाना पीना देना है वो साइलो मास्टर से खरीद के दें कि यहाँ हम अपना बनाएं, तो उसके बारे में कमेंट करना ज़रूर। इसको कर लेते हैं बंद। अब इसको पहले मैं लगा ही आता हूँ प्याज वाले को, ये जब तक प्याज काटेगा, मैं जब बाद में गेहूँ काटूँगा। गेहूँ का खेत छोटा सा ही है, तो इसके अंदर मुझे खेत खरीदने पड़ेंगे काफ़ी सारे, तभी जाके गुजारा होगा भाई, नहीं तो गुजारा नहीं होगा भाई। ये देखो आगे से तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। तो वेस्टर्न में मैं करना चाहता था 1000 मिलियन डॉलर चैलेंज, लेकिन भाई मैंने उसको कल भी, आज आप मानोगे नहीं, पिछले 3 घंटे से मैं उसको टेस्ट करने लगा हूँ। सुबह से मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला, मैं सिर्फ उसी मैप को टेस्ट कर रहा था। 3-4 घंटे हो गए मुझे भाई। मैं फिर मैंने कमेंट पढ़े, मैंने देखा कि शायद उसका कोई फिक्स आया हो, यानी कि उसका कोई किसी ने कोई फिक्स बनाया हो, जो जिससे कि अपडेट आई हो शायद उसकी कोई, लेकिन भाई कुछ नहीं मिला। तो ये है भाई वाइल्ड वेस्ट का गेट। अच्छा भाई, शुगर नीचे से निकल गए। तो खेत को एक बार देख लेता हूँ किधर से है ये, इधर से। तो भाई इधर से है ये लंबा, इधर से। ओह अच्छा, भाई सेटिंग अभी मैंने करी नहीं थी कुछ भी, क्योंकि मैंने नया मैप लगाया है बिल्कुल। तो पिछला वाला मैप जो था मैंने हटा दिया था, अभी मैं इनको कर दूंगा ऑफ ऑफ, इसको भी ऑफ, इसको भी ऑफ। तो ये हेल्परों के लिए हो गया, हेल्पर कुछ नहीं खरीद सकते। और क्रॉप डिस्ट्रक्शन को बंद कर देंगे, क्योंकि भाई इसके अंदर नहीं चलेगा ये। और लाइम बंद कर दूंगा, वीड ऑन रखूंगा, लाइम नहीं डालूंगा, क्योंकि लाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप बोलोगे तो मैं कर दूंगा, आप बताना कि कैसे करना है, लाइम डालूं या ना डालूं। तो लाइम को बंद रखेंगे, वीड को ऑन रखेंगे, वीड मारेंगे। पिछली बार हमने 500 मिलियन डॉलर चैलेंज के अंदर वीड नहीं मारे थे, लेकिन इसमें वीड मारेंगे। ठीक है, उसको कर लेते हैं भाई सेव एक बार। तो ये गेम हमारी एक बार सेव हो जाएगी, हो जा। तो भाई बड़ा मैप है, टाइम लेता है। वो वेस्टर्न मैप के अंदर तो प्रॉब्लम थी भाई, नहीं हुआ उसके अंदर, बहुत मुश्किल है यार। सेलिंग पॉइंट ही नहीं आएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस फसल का रेट कितना है और हमें कहां पर बेचनी है? वो सेलिंग पॉइंट ही नहीं आ रहे थे। वैसे उसमें लैटिस का रेट 3000 था मैकडोनल्ड पे, क्योंकि मैकडोनल्ड बनाते हैं बर्गर, बर्गर के अंदर लैटिस लगती है, बहुत महंगी बिकती है, तो वो अच्छा था, लेकिन वो भाई रेट नहीं आ रहा था। और भी कई दिक्कत थी, मैं घोड़े पे बैठा था तो गेम हैंग ही हो गई, मतलब गेम काली स्क्रीन ब्लैक हो गई और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो ऐसे मैप का कोई फ़ायदा नहीं है अभी खेल के,
जिसमें प्रॉब्लम हो उसको बाद में खेलेंगे जब उसका अपडेट आएगा। ओके, अभी करते हैं इसको यहाँ पे स्टार्ट और जीत दबा के इसको खोल लेते हैं एक बार हार्वेस्टर को। तो इसके अंदर भी मैप है, इसके अंदर भी काफ़ी बड़े फील्ड है। मेरी नज़र है 17 नंबर फील्ड पे, तो 17 नंबर फील्ड है बहुत बड़ा ये देखो, और ये 60 नंबर, और इधर भी अगर देखें तो ये 42 नंबर। तो ये कोशिश मेरी ये रहेगी कि ये 44 42 47, मतलब 42 43 44 उल्टे दे रखें इसमें, तो ये तीनों ऐसे खरीद लें या 17 नंबर और 60 नंबर ऐसे बड़े बड़े खेत खरीदें। तो इसका देखेंगे रेट वगैरह कितना है, मैं बाद में चेक करूँगा। तो इसको काटते हैं यहाँ से प्याज को, चल भाई हो जाए शुरू। तो लो भाई प्याज कटने लगी और संधू भाजी आ गए, सबसे पहले आए हैं इस मैप के अंदर संधू भाजी। तो चलते हैं वापस अपनी शैलो के पास और या वहीं पर चलते हैं, वहीं पर हार्वेस्टर ले लेंगे या यहीं पर ले लेते हैं। चलो यहीं पे लगाते हैं अपनी शॉप को, और हार्वेस्टर मैं ये जो अभी तो किराए पे ले रहा हूँ, बाद में जब पैसे आएंगे तो खरीदूँगा, अभी तो भाई $1,00,000 ही है। तो हेडर ले लेते हैं पहले, पहले हार्वेस्टर लेते हैं यार, पता नहीं ना कौन सा हार्वेस्टर लूँगा मैं अभी। तो वैसे तो ग्रीश मोडिंग के भी हैं, तो ये भी है, इसकी कैपेसिटी है 2 मिलियन की। और ग्रीश वाले कहाँ गए, ग्रीश वाले हैं कहाँ पर, मोड्स ग्रीश FS19 मोड कहाँ गए, ये इसकी कैपेसिटी भी 2 मिलियन ही है, लेकिन यार ये वाइट है। चलो इसको अभी ऐसे किराए पे लेते हैं, तो इस पर अपनी लोगो भी बनी हुई है यार, यही लेते हैं, और इसका हेडर भी यही सब कुछ काटेगा, और ये भी वाइट है, इसको किराए पे ले लेते हैं अभी ऐसे ही। तो जब पैसे आएंगे तो अपने खरीद लेंगे बाद में। तो वैसे तो मैं वीट बार्ली कनोला ये कम ही लगाता हूँ, क्योंकि यार इसके पैसे बहुत कम मिलते हैं, और जो फसलें बाकी हैं ना, टमाटर हो गया, गाजर, लेटिस, भाई ऑनियन, इसके पैसे मिलते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसको खोल लेता हूँ पहले ही, ताकि भाई बाद में भूल ना जाए। अब चलते हैं इसको लेके गिरीश वाले को, मड रनर, मड रनर क्यों लिखा भाई इसके अंदर, भाई इसके अंदर लिखना था फार्मेशन बिल्डर, गिरीश ने उल्टा लिख दिया। तो इसके अंदर प्लानिंग करनी पड़ेगी, $1,000,000 चैलेंज, $1,000,000,000 चैलेंज कैसे कमाएंगे। तो बकरे बकरे गायें वाएँ सब बाद में लेंगे भाई, अभी तो कुछ ये पैसे 5 लाख कहाँ से आ गए भाई मेरे पास, अभी तो $97 थे और ये अभी 5 लाख कैसे हो गए भाई। ओ लगता है कुछ इसमें इनकम का सोर्स बना रखा है भाई ने, अभी देखते हैं। ये खेत किधर से है भाई, ये इधर चलते हैं कोने में भाई, ये $5,00,000 कैसे हो गए मेरे पास, अभी तो $97 थे, अभी 97,000 थे। और चलो भाई इसको हटाते हैं, आ जा। तो ये देखो इसके अंदर जगह नहीं है, अगर मैं क्रॉप डिस्ट्रक्शन को बंद नहीं करूँगा तो भाई मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। इसको लगाते हैं और भाई इसको करते हैं बंद, और खेत देखते हैं इधर को लंबा है, तो ऐसे है खेत अपना। तो ये खेत पहले यहाँ तक होता था पुराने मैप के अंदर, तो ये मतलब पुराने वर्जन के अंदर, ये वर्जन 2 है, वर्जन 1 के अंदर यहाँ पर नीचे गोट और ये डक वगैरह नहीं थी, तो ये भाई ने अभी ऐड करी है। तो एक काम करते हैं, पहले भाई इस लाइन को यहाँ पे उड़ा देते हैं ज़रा, कोने वाली लाइन उड़ा दूँगा, क्योंकि पेड़ है फिर हेल्पर काटेगा नहीं। तो ये जगह देख रहे हो ऊँची नीची है, वेस्टर्न मैप जो था बिल्कुल प्लेन था, बिल्कुल सीधा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा। तो स्ट्रॉ भी बनेगी, स्ट्रॉ उठा लेंगे बाद में, तो अभी तो उठाएं फटाफट अपना, लगाएं इस पर, एक लाइन काट देता हूँ सीधी सीधी। भाई कितनी टेढ़ी है यार ये, बहुत ज़्यादा स्लोप में है। तो यार आज मैं सच में उस मैप को टेस्ट करते करते बहुत थक गया, अभी मेरी तबीयत भी थोड़ी डाउन हो रही है, मुझे लग रहा है थकावट सी हो गई भाई उस मैप में, थकावट मतलब मेंटली हो जाती है, तो उसके साथ साथ शारीरिक भी हो जाती थोड़ी सी। तो उस मैप ने यार दिमाग ख़राब कर दिया, तो चला ही नहीं भाई, बड़ी कोशिश करी, चल भाई ख़त्म करते हैं। अब कितनी यहाँ बस भाई इतनी सारी स्ट्रॉ बना रही है, तो यह बन गई अपनी टूड़ी। इसके अंदर भी जगह भाई ने काफ़ी छोड़ रखी है देखो साइड में। चलो भाई यहाँ लगाते हैं हेल्पर, साहिल भाई आ गया। अच्छा भाई ये पैसे कैसे आ गए, मैं देखूं जरा एक बार, ये पैसे सोल्ड व्हीकल, अच्छा यार मैंने अभी हार्वेस्टर बेचा था भाई उसके पैसे आए। हार्वेस्टर बेचा था उसके बदले हार्वेस्टर किराए पे लिया। तो चलो इसको अभी काटने देता हूँ मैं, और जब तक अपनी ट्रॉली तो अपने पास खड़ी है, ट्रक वगैरह खड़े हैं, उसको लेके भरते हैं इसके अंदर।
तो एक बार चलते हैं, एक बार अपने एंटर मार देंगे ट्रैक्टर के अंदर। तो ट्रैक्टर तो अपने पास अच्छे अच्छे खड़े ही हैं यार यहाँ पर। ट्रैक्टर की तो मुझे लगता है ज़रूरत ही नहीं है। इंडियन ट्रैक्टर देखेंगे बाद में, इंडियन ट्रैक्टर लूँ या ना लूँ वो ये भी कमेंट करके बताना। तो अपने पास खड़ा हुआ है भाई यहाँ पर एक ट्रक। ओके, तो एक ट्रक खड़ा हुआ है और इसकी ज़रूरत है। तो आप लोग बोलते हो यार कभी भी आप ट्रक नहीं चलाते हो, ट्रॉली ट्रैक्टर से ही काम करते हो। तो यार ट्रॉली ही अच्छी लगती है, तो ट्रक भी लगा सकते हैं वैसे तो। तो बताना मुझे ट्रक लगाऊं ट्रॉली लगाऊं, यार कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं भी बहुत। तो वैसे तो ट्रेलर मेरे पास आपको पता ही है, मेरी फेवरेट ट्रॉली है तो ये वाली। ये देखो 10 लाख की है, 10 मिलियन की है, 2 मिलियन की है। तो मैं एक दस दस लाख एक ये 10 मिलियन की है, तो ये 50 की भी है। ओ भाई 2 मिलियन की भी है, तो मैं एक अभी फ़िलहाल 2 मिलियन वाली लेने वाला हूँ। इसको लेते हैं किराए पे और एक और ले लेता हूँ। तो जब पैसे आएंगे बाद में तो इनको खरीदूँगा, अभी तो किराए पे चलेंगी। तो अभी लेते हैं 2 ट्रैक्टर और इस एक को लेके जाता हूँ प्याज वाले के पास, और एक ट्रैक्टर भाई ये खड़ा जेसीबी। चल भाई जेसीबी तू ही चल। तो 2-2 मिलियन तो हो ही जाएगा मुझे लगता। तो पहले फसलें फसलें लगा के बेचें भाई, कुछ पैसे कमाएं, उसके बाद जानवर वगैरह पालेंगे। और इतने सारे जानवर पालना भी भाई बहुत मुश्किल है, इतने या तो फिर जानवर जानवर पालो। और अभी देखता हूँ कहीं पर घास वगैरह लगी हो तो घास भी काटेंगे, घास काट के देखेंगे ये कुछ बन जाएगा घास का, बकरियाँ खा लेंगी या घोड़े भी खा सकते हैं, हे बना के हे बना सकते हैं उसकी। तो जेसीबी ले चलते हैं इसको, और भाई इसके अंदर मड भी है देखो। ओ तो इसका रास्ता है ये। अच्छा ये लगे हैं गार्ड, ये लगे हैं भाई वो गार्ड। तो ये क्या करते हैं ये? अच्छा ये जानवरों को बाहर नहीं जाने देंगे, तो जानवर अंदर ही अंदर रहेंगे, बाहर नहीं जा सकते इसके अंदर। अच्छा ये होगा, ये यहाँ पर लगे हैं 2-3, 1-2, हर मतलब हर पेन, हर जहाँ पर भी ये पेन बने हुए हैं जानवरों के लिए, अपने पशुओं के लिए, वहाँ पर लगे हुए हैं ये। तो इससे क्या होता है कि वो बाहर नहीं आते, शायद वो डर जाते हैं या कुछ होता है। और यहाँ पर पानी का तालाब भी है, यहाँ से हम पानी का टैंक भी खड़ा है छोटा सा, तो यहाँ से पानी भर सकते हैं। अब ये टैंक पानी का असली है कि नकली है अभी नहीं पता, अभी बाद में देखेंगे जब पानी की ज़रूरत पड़ेगी। पानी की ज़रूरत तब पड़ेगी जब हम अपने पशुओं को पिलाएंगे। तो फिलहाल तो मैं इसको खड़ी कर देता हूँ यहाँ पर। और भाई इसने तो प्याज काट भी दिया, ये देखते हैं कितना बड़ा एरिया है भाई। ये 26 एकड़ का है, और ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है फील्ड की, इसका जो मोड है मतलब एडिशनल फील्ड इन्फॉर्मेशन का जो मोड है, ये जो नॉर्मल फसलें हैं वो बताता है, वीट बार्ली और कनोला सोयाबीन तक बताता है, कॉटन भी बताता है। मैं आप दिखाता हूँ, तो ये पोटैटो की शुगर बीट की नहीं दिखाता, पॉपुलर वगैरह नहीं दिखाता, शुगर केन कैरेट वगैरह ये जो फसलें हैं ये नहीं दिखाता कितनी मिलेंगी, ये सिर्फ नॉर्मल दिखाता है बस इतना। वीट बार्ली और कनोला सोयाबीन कॉर्न पोटैटो और बस इतना, मतलब ये 8-10 फसलें दिखाता है। ये फसलें मोड के अंदर ऐड कैसे होंगी, मैंने उसकी मतलब जानकारी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, उनको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या पता अब इस फील्ड से हमें कितना प्याज मिलने वाला है, तो ऐसे उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। चलो चलते हैं वापस अपने ट्रैक्टर के अंदर। और ये एक खड़ा हुआ भाई, ये तो बड़े बड़े पहिए वाला, ये बाद में इस्तेमाल करेंगे जब। ये बंद कैसे हो गया भाई? ये इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे जब कल्टीवेटिंग या प्लॉइंग करनी होगी, क्योंकि ये बहुत तगड़ा ट्रैक्टर है, फेंडेड है 1000। तो ये अभी तो ट्रॉली छोटे छोटे इसके साथ ले चलते हैं, छोटे ट्रैक्टर खड़े हैं और एक ट्रैक्टर वहाँ पर भी खड़ा है। तो ट्रैक्टर तो भाई ने दे रखे हैं इसके अंदर अच्छे से। चल भाई इधर आ। तो अब देखते हैं आज पहली कमाई हमें कितने की होने वाली है। $5 लाख तो अपने पास आ ही चुके हैं, तो भाई 1000 मिलियन कमाना बहुत मुश्किल है, मतलब काफ़ी टाइम लगेगा। आप सपोर्ट करना यार, लाइक कर देना, 10,000 लाइक कर देना रोज यार। 1.25 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं और 10,000 लाइक भी नहीं आते एक वीडियो पे दिए, तो ये मतलब सब्सक्राइबर कहाँ पर है मेरे, सब्सक्राइबर कहाँ घूम रहे हैं मतलब। तो यहाँ से निकालते हैं अंदर से ही, और इसको अभी तो वो काट रहा लगा हुआ भाई, उसने भी लगा दी ये लाइन। तो जब तक मैं स्ट्रॉ वगैरह उठाता हूँ, स्ट्रॉ तो यार अभी उठेगी नहीं ना, दरअसल बाद में उठेगी जब ये पूरी काट देगा। तो मुझे लगता है ये 2 हार्वेस्टर लगाने पड़ेंगे, तो चलो देखते हैं जो भी होगा।
ठीक है, अभी प्याज और कटने दो, फिर बाद में आपको दिखाता हूँ। बाद में मिलते हैं थोड़ी देर बाद, जब ये कट जाएगा अपना सामान, फिर बेचने चलते हैं कहाँ कहाँ पर फसलें बिकेंगी। इसके अंदर तो बहुत सारा रेट आ रहा है, देखो बहुत सारी भाई, इतनी सारी जगह है यहाँ पर बेचने के लिए। और ये ग्रैनी ग्रैनी सुपर मार्केट कहाँ पर है ये देखना पड़ेगा। और प्याज का रेट देख लेते हैं एक बार। और इसके अंदर भी देखो क्लोवर भी है, एल्फा एल्फा, एल्फा एल्फा साइलेज भी है, तो ये ड्राई अल्फा अल्फा भी है। और प्याज का रेट है भाई 1497 रुपये मिल स्टेशन वन। अभी इसके कहाँ कहाँ पर पॉइंट है अभी कोई नहीं पता है। और इसमें लेटिस का रेट कितना चल रहा है भाई, 1500 चल रहा है। उसके अंदर लेटिस का रेट 3000 था भाई, बहुत तगड़ा रेट था। चलो ठीक है, थोड़ी देर में मिलते हैं, जैसे इनको काटने दो। तो लोग गाइस, संधू पाजी ने तो आखिरकार काट ही दिया भाई खेत। और अगर मैं फील्ड की इन्फॉर्मेशन देखूँ तो ये अपना जो फील्ड है तो भाई ये 40 एकड़ का है और इसकी वैल्यू है 4 लाख। और 7 नंबर फील्ड को अगर मैं देखूं तो ये है भाई 48 एकड़ का। तो अब पहले इन्फॉर्मेशन नहीं आती थी, लेकिन अब आती है, बढ़िया बात है। तो ये है 4 लाख, 4 4 8, दोनों अगर बेचूंगा तो मुझे $1 मिलियन मिलेगा। और ये 12 नंबर अगर मैं देखूँ मेरे पास ही है 11 के आगे, तो ये है भाई 173 एकड़ का और ये है 1.7 मिलियन का। तो मैं सोच रहा हूँ यार, ये बड़े बड़े खेत लेके दो चार और फिर अपनी फसल लगाएं। और 42 नंबर खेत अगर देखें तो 800 एकड़ का है भाई ये, लेकिन 8 मिलियन का है। और 17 नंबर खेत जो सबसे बड़ा है इसके अंदर, ये है 2435 एकड़ का। तो 2400 एकड़ लगाओ और 24,000 का, तो 1 एकड़ की वैल्यू मतलब इसमें लगा रखी है 1 मिलियन। तो 24 मिलियन का खेत हो गया हमारा, 24 मिलियन का, 24 एकड़ का और 2400। और ये है देखो पूरा 173 का है, तो ये 1.73। तो भाई ये लेने पड़ेंगे खेत। अभी करता हूँ कुछ प्लानिंग, और इसका भाई का तो काम हो गया। चलो प्याज में मिली है भाई 9.2 मिलियन नहीं है, ये मिली है 9 लाख। 1 मिलियन नहीं हुई, 1 लाख, 1 मिलियन से कम है। ये खेत अच्छा है, देखो प्लेन है एकदम बढ़िया। इसको ऐसा करते हैं, बेचते नहीं है। और वो 7 नंबर बेकार खेत है, क्योंकि वो बहुत ऊबड़ खाबड़ खेत है, ऊंचा नीचा बहुत ज़्यादा है। उसको एक काम करेंगे कि उसको हम निकाल देते हैं, यानी कि बेच देते हैं उसको, उसको बेच के उसको पैसे को कहीं और लगाते हैं, क्योंकि यार वो खेत बेकार है, मज़ा नहीं आएगा उसमें। इस खेत को रख लेते हैं घास वगैरह उगाने के लिए, अपने जानवरों को जब घास चाहिए होगी, हे वगैरह, तो हम यहाँ से बना सकते हैं, क्योंकि घोड़े भी खाएंगे हे और अपनी बकरी भी खाएगी, तो घास भी खिला सकते हैं, हे भी खिला सकते हैं। चलो भाई डाल दे। चलो तो भाई प्याज तो अपनी आ गई, संधू बाजी ने कर दिया फटाफट काम। तो छोटा सा खेत है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ट्रॉली अभी मैंने किराए पर ली है, तो मैं इसको बाद में भेज दूंगा। अभी इससे उधर जाते हैं और इसको कर देते हैं अभी वापस, अभी तो भाई ज़रूरत नहीं है। चलो अभी रहने देते हैं थोड़ी देर, भाई किराया लगा हुआ है अभी। तो अब चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं प्याज का रेट, मैं भाई इसको बेच आता हूँ जल्दी से। तो प्याज का रेट मैंने अभी देखा तो था कहाँ पर चला गया प्याज, ये रही ये रही ये रही ये रही। तो प्याज का रेट है भाई मिल स्टेशन वन पे, इसको टैग करता हूँ मैं और इसको देखते हैं कहाँ पर है ये कहाँ पड़ेगी भाई। ये वो भाई काफ़ी दूर है, 1 मिनट मैप के अंदर देखें तो मिल स्टेशन भाई ये है, तो मतलब यहाँ से जाके भाई काफ़ी लंबा रूट है। तो चलो मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ एक बार, फिर आपको मिलता हूँ वहाँ पर चल के। देखते हैं प्याज अपनी 1400 है, एक इसके कुछ पैसे मिलेंगे, उससे फिर मैं क्या करूँगा कि खेत और ख़रीदूँगा, उसके अंदर जो फसल लगी फिर उसको काटेंगे, उसको भी बेचेंगे। आज जो जो हो सकता है, जितना ज़्यादा हो जाए भाई उतना फ़ायदा है, क्योंकि हमें चाहिए प्रॉफिट, हमें नुकसान में नहीं जाना, हमें प्रॉफिट प्रॉफिट चाहिए। ठीक है चलो मिलते हैं वहाँ पर पहुँच के। तो लो गाइस पहुंच गया भाई उसके पास, काफ़ी दूर है भाई काफ़ी टाइम लग गया पहुंचने में यार। तो यही है कि पॉइंट, हाँ यही है, यहीं पर है भाई, यहीं से मोड़ देंगे ये रहा। ओ अच्छा, तो भाई ये पॉइंट ऐसे हैं, मतलब यहाँ पर अगर ट्रक लेके आएंगे वो नीचे से ट्रॉली फंस सकती है, तो यहाँ पे बिकेगा भाई अपना सामान। लो ये अभी अपना ऑनियन, लो भाई इसके कुछ पैसे तो मिले, 1.3 मिलियन, वाह भाई वाह। तो अब एक काम करेंगे यार, अब क्योंकि मैं वापस जाऊंगा फिर मुझे 5 मिनट लगेंगे, तो मैं इसको रीसेट कर दूंगा, क्योंकि इसमें भाई गेम के अंदर ऑप्शन है रीसेट करने की, तो इसको रीसेट कर देंगे वापस चल के और यहीं से दबा देंगे बटन। यार क्या दिक्कत है भाई, देखो यहाँ से यहाँ, और बीच में से क्या है कि देखो यहाँ से आने का, मैं यहाँ से आया तो यहाँ से रास्ता नहीं था, फिर मुझे शॉर्टकट मारना पड़ा, तो ये यहाँ से तो इधर से जाके भाई ऐसे है रास्ता, तो ये दिक्कत है, यहाँ से भाई ने रास्ता नहीं बनाया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो कर देता भाई एक बार रीसेट, तो ये चला जाएगा अपने शाइलो के पास।
ओके, सामान पहुंच गया वापस। अब देखते हैं भाई इसने क्या कर दिया। इस भाई ने अभी कितना खेत काट दिया, तो स्ट्रॉ मैंने उठा ली है थोड़ी सी, तो आधे खेत की तो आधे नहीं तो 25% तो उठाई ली, अभी बाकी उठानी बाकी है। तो मैं सोचा था एक हार्वेस्टर और लगा दूं, लेकिन एक से ही काम हो गया, तो इसकी स्ट्रॉ वगैरह उठा के और इसको भाई कर दूंगा, मैं इसको बेच दूंगा। और अब चलते हैं 1 मिनट, अब देखते हैं भाई अपना फील्ड के पास जो खेत था 12 नंबर मैं लेने वाला हूँ आज, तो कहाँ गया रे, तो ये पास में ही है, और इसको लैंड पे करके क्लिक, इस पर क्लिक करेंगे तो ये है 1.7 मिलियन का, इसको कर लेते हैं बाई। लो भाई अपने पास बचे 1,32,000 डॉलर, और उस पर देखते हैं चल के क्या लगा हुआ है, और यहाँ पर चलते हैं, यहीं से पता चल जाएगा वैसे तो क्या लगा उस पर। तो उस पर लगी है भाई राई, क्योंकि यार इसमें कलर है ना तीन चार हैं, तो समझ नहीं आता, क्योंकि एक ही कलर के कई सामान दे रखे हैं, कई फसलें हैं जो एक ही कलर की हैं, तो कई कुछ तो समझ आ जाती है कुछ समझ नहीं आती। तो राई दिखा रहा था वैसे तो, और राई ही लगी हुई है, तो राई काटने के लिए मैं वही वाला हार्वेस्टर है मैंने किराए पे ले रखा है अभी, तो किराया खर्चेंगे नहीं ज़्यादा अभी। और मैं सोच रहा हूँ कि इस फील्ड पे जो अभी अपने पास खाली हो गया, इस पे मैं घास उगाने वाला हूँ, तो घास भी काट लेंगे अगली बार, अभी तो इतना मार मारी नहीं है यहाँ पे जगह हमारे पास, मतलब हमें घास काट के हम रख लेंगे ना तो अपने काम आएगी, तो घास उगानी पड़ेगी भाई मेरे को, घास लगाने के लिए प्लांटर है मेरे पास। ठीक है, तो JCB में चलता हूँ, JCB को लगा के आता हूँ वहाँ पर। तो इसके लिए सीड वगैरह कहाँ से मिलेंगे, अभी इसके अंदर कोई मोड नहीं लगा रखा, तो मुझे साइलो मास्टर पे जाना पड़ेगा। तो हाँ भाई इसके अंदर साइलो में हमारी फसलें भी तो होंगी काफ़ी सारी, तो मैंने चेक नहीं करी, अभी चेक कर लेता हूँ 1 मिनट, क्योंकि इसके अंदर फसलें भी तो होंगी, उनको बेच देते हैं, उनको बेच बेच के भाई बहुत सारे पैसे मिलेंगे, क्योंकि इतनी सारी फसलें रख के हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर है साइलो मास्टर, अपनी साइलो, साइलो मास्टर नहीं है भाई ये साइलो है। तो देखते हैं इसके अंदर भाई, इसमें वीट है 10,000, तो वीट सही है, मुर्गी के लिए रख लेंगे, बार्ली भी रख लेंगे मुर्गी के लिए, और घोड़े के लिए रख लेंगे, कनोला बेच सकते हैं, सनफ्लावर नहीं चाहिए, सोयाबीन नहीं चाहिए, कॉर्न पोटैटो नहीं है, बीट शुगर बीट कॉटन या कुछ नहीं है, टोटल मिक्स राशन भी आ सकता है इसमें, चाफ वुड चिप साइलेज वुड चिप भी आ सकती है इसमें, अच्छा तो साइलेज भी आ सकती है, ग्रास हे स्ट्रॉ फर्टिलाइजर पिग फूड लाइम एल्फा 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 विंड्रो पर कैरेट ऑनियन क्लोवर, तो क्लोवर हे, तो क्लोवर की भी हे बनती है, उसको भी आ सकती है, मैंने आपको दिखाई थी कैसे बनती है क्लोवर साइलेज भी, मैंने आपको दिखाई थी कैसे बनती है, लेटिस टमाटो रेड कैबेज राई पॉपी, बाकी कुछ नहीं है, बस वो शुरू शुरू की फसलें हैं, मेन मेन फसलें, मेन मेन क्रॉप्स हैं जो वो हैं। और ये क्या है, स्ट्रॉ पैलेट भी आ सकते हैं इसके अंदर, हे पैलेट स्ट्रॉ पैलेट, तो मैंने आपको स्ट्रॉ पैलेट भी बना के दिखाए थे वो कैसे बनते हैं, उसके वीडियो हैं आप देख सकते हो जाके। तो इसके अंदर कोई ख़ास फसलें नहीं हैं, तो इसको अभी ट्रॉली को अभी यहीं पे खड़ा कर देते हैं, इनको मैं बाद में सेट करूँगा भाई, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है, क्योंकि एक ही इसमें हमें सारे काम करने हैं। तो एक दिक्कत है कि इस भाई ने ये नहीं लगा रखा, मोड़ नहीं लगा रखा फर्टिलाइज़र और सीड का, वो मुझे चाहिए एक, क्योंकि उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। तो ये देखता हूँ घास लगा देगा क्या, तो ये ग्रास लगा देगा, तो मैं उसी फील्ड में लगा देता हूँ 11 नंबर पे, और राई काटता हूँ। इस हेल्पर का काम अभी कितना हुआ देखते हैं, इसको ऐसे कर लेंगे तो पता लग जाएगा, तो बस थोड़ा सा बचा, इसको मैं लगाऊंगा राई पे, राई काटेगा, और 11 नंबर पे हम लगाएंगे घास। और भाई एक मोड चाहिए मुझे यहाँ पर, मोड मतलब कि जिससे मैं फर्टिलाइज़र वगैरह खरीद सकूँ, बार बार मैं शॉप पे जाके इतना सारा फर्टिलाइज़र भरूंगा तो मुझे बहुत टाइम लगने वाला है, तो इसके अंदर चलना पड़ेगा मेरे को अब मिसलेनियस मिसलेनियस। अरे यार ये सब कैटेगरी चेंज हो जाती है ना भाई, अलग अलग मैप खेलने से सारी कैटेगरी चेंज हो जाती है इधर उधर, तो समझ नहीं आता कि मोड कहाँ चले गए। तो ये है मेरे पास मल्टी फिलिंग स्टेशन ब्लैक कलर का, तो इसको मैं एक लगा लेता हूँ उसके साथ ही यहाँ पर, ताकि मुझे इसका आराम मिले, आई मीन अपना भाई इसमें से सारे सामान मिल जाएगा, इसको सेंटर में लगा लेते हैं यहाँ पर, यहाँ एक काम करेंगे इसको भाई, इसको ऐसी जगह पे लगाएंगे जहाँ पर हमारी गाड़ी भी फंसे ना और हमें कोई और दिक्कत भी ना हो, तो इसको इस कोने पे लगा देता हूँ, क्योंकि हम जब सीडर लेके जाएंगे तो इस तरफ को बाहर को जाएंगे, तो इसको ऐसे लगा देंगे बस यहीं पर, ठीक है, ताकि हमारा काम यहाँ पर हो जाए। तो यहाँ पर अगर लगाता हूँ तो मैं, ठीक है, तो ये आगे भी अपना
तो इसके पैसे भी कटेंगे, जो हमारे सीड जो फसलें हम लगाएंगे भाई वो सारी फसलें के सबके पैसे यहाँ पर कटने वाले हैं। इसका ढक्कन खोल लेते हैं फटाफट से। अच्छा भाई इसके अंदर सारा सामान पहले से भरा हुआ, मैंने चेक नहीं करा, मैंने देखा नहीं था। चलो मोड़ तो चाहिए, अभी इसके सीड ख़त्म हो जाएंगे भाई, इतना बड़ा खेत में लगाना है तो प्लांटर मैं बाद में लाऊंगा बड़े बड़े से, अभी तो मैं छोटे वाले लगा रहा हूँ। अभी पैसे वैसे कमा लें कुछ, उसके बाद लेंगे बड़े बड़े टूल, इसको बंद कर लेते हैं फिलहाल। तो इसको घास पे लगाता हूँ और उसको लगाता हूँ राई पे काटने के लिए, क्योंकि राई उसी हार्वेस्टर से कटेगी जो वीट काट रहा है। अच्छा तो यहाँ से दे रखा है भाई ने रास्ता, अच्छा अंदर से, तो मैं रास्ता ढूंढ रहा था मुझे मिल नहीं रहा था, तो रास्ता इधर। तो घास लगाने से हमें आसानी रहेगी ना कि हमारे सारे पशु खाएंगे, तो एक बार लगा देंगे बस, एक बार लगा देंगे घास, इसमें बार बार उगती रहेगी। घास वैसे तो लगी हुई है बाहर, लेकिन ये इतनी नहीं है कि हमारा गुजारा हो जाए, और ये फिर हमें खुद काटनी पड़ेगी, हेल्पर काम नहीं करेगा इसके ऊपर। तो यहाँ हेल्पर लगा देते हैं, अपना आराम से काट लगाता रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ लगा देते हैं जेसीबी को, जेसीबी आराम से घास लगा देगा। चल भाई आ जाएगा। तो राई की तो मेरे ख्याल नहीं बनेगी स्ट्रॉ, अगर बनेगी तो उसको भी उठा के रख लेंगे, राई की तो वैसे बनती नहीं है, देखते हैं अगर बन गई तो। चल भाई आ जा इधर, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा। ओके भाई यहाँ लगाते हैं इसको, इसको ऑन कर देते हैं बीवी से, और ऑन कर देते हैं ग्रास लगा देते हैं यहाँ पे, हेल्पर लगा देते हैं। ठीक है भाई, कल्टीवेट भी करता है ये, तो कल्टीवेट भी कर देगा। ओके घास अपनी लगने लगी और फर्टिलाइज भी हो गई, एक बार फर्टिलाइज कर देंगे। और चलते हैं भाई गैराज के अंदर, लीज आइटम के अंदर, इसको अभी बेच देता हूँ मैं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, वापस कर देता हूँ। तो ये ट्रॉली वगैरह हम बाद में लेंगे। तो अब चलते हैं गेहूं वाले के पास, तो ये खाली है, अभी इसको ले आके और उससे इकट्ठा करते हैं माल, उसका भी कट गया भाई, उसका लगाने वाला हूँ मैं राई वाले खेत पे। तो साहिल का काम ख़त्म हो गया, आ गया भाई आ गया, अभी जाइए मत मुझे माल लेके जाइए, रुक जा रुक जा। अरे ये खेत इतना मज़ेदार नहीं है, यहाँ तो इसको फ्लैट करना पड़ेगा, फ्लैट करने में भाई हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि फिर काफ़ी ज़्यादा फ्लैट करना पड़ेगा, इसका फ़ायदा भी नहीं है यार, ये घर के पीछे है, इसको बेच देते हैं। अभी नहीं बेच रहा हूँ, आप कमेंट करके बताओ बेच दूँ या फ्लैट करके काम करूँ इस पर, क्योंकि यार ये इतना बड़ा भी नहीं है, इसमें मज़ा नहीं आएगा काम करने का, छोटे छोटे खेतों में कोई मज़ा नहीं है। चल भाई ये तो भाग गया हेल्पर, मुझे खुद ही डालना पड़ेगा। तो वीट मिली है जितनी उसने बताई थी उतनी मिली है, 164,000 उसने बताई थी, 164,000 164 या 166 बताई थी, मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन सही दे रहा है, लेकिन वो मल्टी फ्रूट की नहीं दे रहा, ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है। चलो ओह सॉरी सॉरी सॉरी, इसको ले चलते हैं अब राई वाले पे, राई पे लगाता हूँ इसको। तो भाई आ गए 12 नंबर फील्ड के ऊपर, भाई अब लगाते हैं इसको यहाँ पर और काटते हैं अपनी राई को। अब आज राई भी बेच देंगे, वीट भी बेच देंगे भाई, सारा सामान बेच के देखते हैं कितने पैसे मिलते हैं। तो ये कट गई भी राई, यहाँ लगाते हैं हेल्पर, देखते हैं इसकी बनती है क्या स्ट्रॉ। हाँ भाई इसकी स्ट्रॉ भी बनती है, राई की स्ट्रॉ भी बनती है, मैं भूल गई, मतलब यार अब नई नई फसलें हैं ना तो अभी याद नहीं है, हमें सिर्फ याद है बीट बार्ली ऑट की। तो चलो इसको कटने देते हैं, अब चलते हैं वापस अपनी ट्रॉली के अंदर और देखते हैं गेहूं कहां पे बिकेगी। गेहूं को ज़्यादा तो नहीं है, 164,000, ये काम करते हैं इसको बेचते नहीं, राई को बेच देंगे, इसको मैं अपनी सालों में डाल देता हूं। तो लो भाई ये आ गई अपनी गेहूं, ये जाने वाली है अब इसके अंदर, तो इसको यहाँ डाल देंगे। गेहूँ अपनी भाई मुर्गी के लिए चाहिए, बाद में ज़रूरत पड़ेगी, मुर्गियाँ बहुत सारी पालेंगे, तो इसको अभी स्टोर कर देते हैं। ठीक है इसको अभी खड़ा करते हैं यहाँ पे, नहीं यार इसको लेके चलते हैं अब राई वाले के पास, वहाँ पे खड़ा कर देते हैं, राई को बेच देंगे, राई की ज़रूरत नहीं है। तो लो यार इसको मैं यहाँ पे खड़ी कर देता हूँ, अभी भाई काट देगा, तो ये खेत बहुत बड़ा है, इसमें बहुत टाइम लगने वाला है अभी तो, और ये देखो काफ़ी बड़ा भाई, एक पतली सी लाइन कटी है अभी तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो अभी मैं स्ट्रॉ उठाने वाला हूँ उस खेत की, अपने 7 नंबर की, और सन्नी भाई लगा रहा है अपनी घास, और हम क्या करेंगे जब तक, तो अपने पशुओं के लिए देख लेते हैं भाई, अपने पशु देखो हमारे पास 5 गायें हैं अभी, और चिकन भी दे रखे हैं भाई ने 5, तो इसके अंदर हमें खिलाना पड़ेगा, टोटल मिक्स राशन साइलेज ये सारा कुछ खिला सकते हैं वैसे, लेकिन मैं खिलाऊंगा टोटल मिक्स राशन। अभी तो भाई ने सारा कुछ फुल कर रखा है सबका, मुर्गी का भी फुल है, लेकिन मुर्गी के पास वीट नहीं है। अच्छा वीट
बार्ली से मिलती है 80% और सनफ्लावर वीट इससे भी, तो हम मुर्गी को सिर्फ 80% ही खिलाएंगे, वीट बार्ली खिलाएंगे, सनफ्लावर शुगर बीट अभी रहने देते हैं। तो अगर हम बाकी जानवर पालेंगे तो उसके लिए देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी फसलें लगेंगी। क्लोवर भी लगेगी और पिग फूड भी है वैसे, मतलब फूड भी खिला सकते हैं, टीमर फूड भी खिला सकते हैं। साइलो मास्टर से लेके आऊँ कि खुद बनाऊँ, मैंने आपको पहले भी शायद पूछा था, तो कमेंट करके बताना। तो क्योंकि उसके लिए फिर मुझे साइलेज बनानी पड़ेगी, साइलेज के लिए यहाँ पर शायद बंकर साइलो नहीं है, तो मुझे उसके लिए बायोगैस प्लांट खरीदना पड़ेगा या फिर अपने यहाँ पर मोड लगाना पड़ेगा उसका, बंकर साइलो का, फिर उसके उससे बनेगी। चलो जो भी होगा बताना, जैसे जैसे आप इसमें क्या देखना चाहते हो, क्या क्या चेंज, मतलब जो मैंने आपको कमेंट पर सवाल पूछे हैं उसका जवाब आप जो जो दोगे मैं उसके हिसाब से करूँगा। ठीक है, चलो मैं स्ट्रॉ उठाता हूँ, फिर आपको बाद में मिलता हूँ जब राई वगैरह कट जाएगी। मैं सोच रहा हूँ एक हार्वेस्टर और ले लेता हूँ और उसको लगा देता हूँ राई पे, क्योंकि राई का खेत बहुत बड़ा है, तो अभी किराए पे लेके लगा देता हूँ एक दो हार्वेस्टर और, फटाफट राई इकट्ठी करके बेचते हैं। लो गाइस, मैंने भाई एक हार्वेस्टर और लगा दी यहाँ पर, क्योंकि भाई खेत काफ़ी बड़ा है और इसको काटने में बहुत टाइम लग रहा है। और भाई ये इसके अगला जो खेत है 51 नंबर, अगर इसको देखा जाए तो ये 181 181 एकड़ का है, और अपना खेत 12 नंबर है 173 का, तो लगभग पास ही है। तो 11 नंबर पे तो मैंने घास लगा दी। ये खेत ना 7 नंबर खेत क्या है कि दोनों तरफ सड़क जो है उसका लेवल तो बराबर है, लेकिन इसको बीच में से जानबूझकर उठाया गया है थोड़ा सा दिखाने के लिए, तो इसको प्लेन करके ये काम कर सकता है बढ़िया। तो लेकिन यार ये बहुत छोटा है, 48 एकड़ का ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। अब जैसे एक नंबर है ये 272 एकड़ का है, और ये भी 270 के, एक और तीन, एक और दो, तो इनको ले सकते हैं, अपने फार्म हाउस के पास ही हैं। और प्लानिंग देखते हैं इसको करने की, भाई 2.7 मिलियन 3 मिलियन के आसपास मान लो हम, तो रफली आइडिया लेते हैं कि पौने दिन तो ये 6 मिलियन डॉलर चाहिए, और इसके लिए चाहिए 8 मिलियन, तो यानी कि 20-25 मिलियन डॉलर जब अपने पास होंगे तब कुछ मज़ा आएगा। तो अभी तो अपने पास कुछ पैसे नहीं बचे, 120,000 डॉलर ही बचा है, 120,000 यानी कि, तो इससे तो कुछ मज़ा नहीं आने वाला। तो चलो देखते हैं, अभी धीरे धीरे खेत खरीदेंगे और बाद में इनको बेच भी देंगे, अगर प्लानिंग अगर बड़े खेत ले लेंगे तो इन छोटे छोटे को बेच देंगे। वैसे इन छोटे छोटे खेतों में भी अच्छी अच्छी फसल लगा के, 173 एकड़ कम नहीं होता, काफ़ी होता भाई, तो इसमें भी अच्छी फसल लग सकती है। और इस मैप के अंदर एक खास बात है, अच्छी बात है कि जगह बहुत दे रखी है देखो, तो मैं इसके अंदर मतलब कोई भी हार्वेस्टर कुछ भी लगाऊंगा तो आराम से कटते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि हेल्पर भी आराम से काम करेंगे। तो मैं कोई ऐसी प्लानिंग नहीं कर रहा हूँ कि मैं इनको बढ़ाऊँगा और लंबा करूँ, लालच करूँ, नहीं भाई, जितना है उतना ही रहने देंगे, क्योंकि फिर उसमें बहुत मेहनत लगती है, टाइम भी लगता है, तो जितना है उतना ही रहने देंगे। अभी इसको काट के फिर उसके बाद देखते हैं राई बेच के कितने पैसे मिलते हैं। राई का रेट तो ज़्यादा नहीं होता, राई का रेट कम ही होता है। तो ये अपनी राई, राई का रेट रेंच पे मिल रहा है 769। तो चलो मैं रेंच देखता हूँ किधर है जब तक, और फिर आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ, मिलते हैं यानी कि थोड़ी देर बाद जब ये कट जाएगी। और मुझे अभी भाई मुझे अभी स्ट्रॉ उठानी है, मेरे को अभी स्ट्रॉ मिल चुकी है 6 लाख, तो स्ट्रॉ के लिए भी कोई शेड नहीं है, तो कोई शेड लगाना पड़ेगा, या इसको कहाँ पर स्टोर करना है, हो सकता है साइलो में चली जाए तो साइलो में डाल देंगे, नहीं तो कोई स्टोरेज बनानी पड़ेगी इसके लिए, ताकि बाद में अपनी काऊ को, अपने घोड़ों को, इसको बार बार, क्योंकि सुअर भी खाते हैं, तो इनको निकाल के स्ट्रॉ को हम वहाँ से उनको दे सकें। चलो देखते हैं जो होगा फ्यूचर में, अभी तो यही प्लानिंग है। तो लो गाइस, घास तो अपने लगा दी सन्नी भाजी ने, और घास अपनी हो गई, और देखो अभी तक फर्टिलाइज़र और सीड ख़त्म नहीं हुआ घास का, तो अच्छी बात है। तो घास काफ़ी मिल जाएगी इससे अपने को, ग्रास भी मिल जाएगी और हे भी बना लेंगे आधी की, और आधी की वो कर लेंगे, आधे को हे और आधे को घास बना लेंगे। तो जहाँ पर घास चाहिए अभी घास ले लेंगे, जहाँ पर हे चाहिए हे ले लेंगे। एक दिक्कत है कि अभी मतलब कोई भी भाई ने मतलब अपने फार्म हाउस के अंदर कोई भी ये नहीं है, प्रेशर वाशर नहीं लगा रखा, तो वो मुझे लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो इतने गंदे गंदे हो जाएंगे तो इनको धोना भी तो पड़ेगा। तो इसको लेके चलता हूँ और मैं प्रेशर वाशर लगा के इसको धो के खड़ा करता हूँ, और बाकी सेटिंग वेटिंग मैं बाद में करूँगा। अभी तो घास जब उग जाएगी तो अगली बार काटेंगे घास को, और जानवर वगैरह भी तब लेंगे जब कुछ पैसे वैसे तो आएँ। अभी तो आज शुरुआत ही हुई है अभी तो, और अपना ये अपना इधर का रास्ता किधर गया, अच्छा भाई ये शेड भी लगा रखा भाई ने, ये पता नहीं किस चीज़ का है। तो ये है भाई अपने एंट्री यहाँ से, तो यहाँ पर ये शेड भी लगे हैं, अब ये पता नहीं बाद में देखेंगे किस चीज़ का है, ये जानवरों का ही होगा, अच्छा मुर्गियों के
सुअर के लिए है शायद, या घोड़ों के लिए होगा। अच्छा इसके अंदर लगे हैं वो। अरे मैं कहाँ घुस गया भाई, एक मिनट। अच्छा चलो तालाब। अच्छा तो अच्छा अच्छा दो गेट है भाई। ओ हो, चल भाई चल चल चल, ये तो फंसी गया, निकल गया निकल गया। अच्छा दो गेट है, ओके ओके ओके, एक। तो ये तालाब के पास भी एक गेट बना रखा है भाई ने। अच्छा ये गेट यहाँ पर है, ओके। तो ये बना रखा है भाई ने शीप के लिए शायद, एनिमल डीलर। ओ भाई ये बछड़े। अच्छा ये बछड़े के लिए भाई, छोटे देखो ये मैं। ओ भाई छोटे छोटे। तो ये हो गया दो, ये जैसे ये भेड़ गाय के बच्चे, तो ये बछड़ा हो गया छोटा, ये 500 का है। अच्छा ये बड़ा होकर शायद गाय बन जाएगी या ऐसे बिकेगा, पता नहीं है। तो ये नई चीज़ है। अच्छा ये छोटा सा ही है, ओके। तो ये दो दे रखे हैं ना, काऊ का अलग है और ये बछड़े का अलग है। और यहाँ पर खाना पीना, अच्छा तो ये खाना पीना इसका बाल्टी से देना है। अच्छा तो देखेंगे बाल्टी के साथ, देंगे कैसे देंगे। चलो अभी तो चलते हैं यहाँ पे वापस अपने जेसीबी के अंदर। तो मैं सोच रहा था रास्ता सीधा है, लेकिन अच्छा मेरे को ये ध्यान था कि एक ही रास्ता है, तो वो आगे तो कुछ है नहीं है। तो ये भाई यहाँ पर पानी का तालाब बना रखा है भाई ने, तालाब में जेसीबी को तालाब में डुबोने जा रहा था मैं, बच गया जेसीबी, अभी तालाब के अंदर चला जाता। तो ये बना रखे हैं बीच में पेन सारे, तो इन पेन के अंदर हमें लगाने पड़ेंगे, सारे जानवर खरीदने पड़ेंगे। तो देखता हूँ कौन कौन से जानवर खरीदूँगा, अभी जो जो है इसके अंदर लगा रखे हैं वही लगाने पड़ेंगे। और बंकर साइलों का इसमें कोई सिस्टम नहीं दे रखा भाई ने, मैं सर्च करूँगा बाद में, ढूँढूँगा यहाँ पर कहीं पर हो तो, मुझे अभी पता नहीं है, मैंने पूरा मैप घूमा नहीं है, तो पूरा मैप एक बार चेक करना पड़ेगा। और शेड भी इसमें ज़्यादा नहीं है, बस इतने शेड हैं यहाँ पर, और ये शेड है और एक सामने लगा रखा है वो। तो पानी का पंप सोच रहा हूँ गेट पे लगा दूँ, कहाँ गया मेरा, मिसलेनियस में चलते हैं। तो ये हो गया वाटर पंप, एक तो लगा देते हैं भाई इस तरफ, और ये रास्ता ही है तो एक यहाँ लगा देते हैं। तो भाई ये छोटे छोटे काम तो ये करने ही पड़ेंगे, तो एक यहाँ लगा देते हैं, एक यहाँ लगा देते हैं, तो चार लगा दिए मैंने। जिस रास्ते भी जिस भाई जिधर से भी आएंगे, इधर से आओ या उधर से आओ, तो हमें आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक ही लगाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। अरे चलो इसको धो के फटाफट खड़ा करते हैं, और 18,000 रुपये अपना लग चुका है। तो प्लांटर भी ये छोटे छोटे हैं, मुझे दूसरे प्लांटर लेने पड़ेंगे अपने, जो बड़े बड़े मेरे पास हैं। बड़ा नहीं है वो, ओरिजिनल प्लांटर है, लेकिन बस मैंने उसकी सीड की और उसकी कैपेसिटी बढ़ा रखी है, ताकि मुझे बार बार फिल ना करना पड़े। तो अब इसको धो के, और जैसे भी गंदा हो गया, और राई कटने के बाद राई बेचते हैं। उसके बाद पैसे अभी तो भाई कुछ नहीं हुए, तो 7 नंबर खेत को ख़रीद दूँ या उसको प्लेन कर दूँ, अभी कोई दिमाग, अभी पता नहीं क्या होगा, अभी क्या क्या होगा मुझे नहीं पता, अभी देखता हूँ सोचता हूँ, आई मीन प्लानिंग करूँगा कैसे होगा। चलो भाई इसको तो खड़ा करें, चलो इसको मैं अभी यहीं पर छोड़ के जाता हूँ, अब राई वाले के पास पहुँचते हैं, देखते हैं राई, बस अब राई कटने का इंतज़ार करते हैं। और अब घास कटेगी जब, तो घास की हे बनाएंगे बाद में। लो भाई तो यहाँ पर भाई ने सारा सामान दे रखा है, देखो टेडर मोवर ये सब दे रखे हैं। तो ये हो गया अपना मोवर, ये दोनों मोवर हैं भाई, ये टेडर है, टेडर ये टेडर है, ये जो घास से हे बनाता है, और ये मोवर है जो इकट्ठा करता है, मतलब उसको एक लाइन में लगा देता है ताकि हमें उठाने में आसानी हो। अच्छा यहाँ पर बेलर भी है भाई, बेल बना के भी बेच सकते हैं, लेकिन बेल नहीं मैं बनाने वाला हूँ। तो देखते हैं भाई, अभी तो खेत भाई कुछ भी नहीं कटा, अभी तो आधा खेत कटा, अभी आधा खेत कटा है, और भाई मेरे को अभी स्ट्रॉ इकट्ठी करनी है। चलो यार इनको एक बार काटे देते हैं, फिर बाद में मिलते हैं थोड़ी देर बाद, जब ये कट जाएगी और फिर इसको बेचते हैं। तो गाइज मैंने सोचा यार खाली बैठ बैठ के अपना टाइम क्यों ख़राब करें, तो मैंने एक प्लांटर लिया है भाई, और इसमें यार गन्ने का रेट 1,000 रुपये चल रहा है, 1,000 रुपये रेट है गन्ने का। तो मैं सोच रहा हूँ गन्ना लगा दिया जाए, जो खेत मैंने अभी खरीदा है 12 नंबर पर। तो भाई गन्ने का रेट अगर 1,000 रुपये और गन्ना मिल गया काफ़ी, तो भाई काफ़ी पैसे मिलेंगे। तो वैसे तो और फसलें भी हैं जो अच्छा फ़ायदा देती हैं, लेटिस है, गाजर है, शुगर बीट है, आलू है, तो उनको भी बाद में लगाएंगे धीरे धीरे करके। तो जो जो फसल चाहिए होगी वही लगाएंगे, जो हमें फ़ायदा भी दे, हमारे पशुओं का भी काम आए। तो इसको ले चलते हैं, घास अपनी लग गई है, 12 नंबर फील्ड पर इसको लगा देता हूँ जल्दी से, क्योंकि टाइम ख़राब हो रहा है बैठे बैठे। मैं भाई खाली बैठा हूँ, कोई काम नहीं है। तो मैंने रेट चेक करा था अभी सभी फसलों का, लेटिस का रेट इसमें 1500 है, और बाकी फसलें भी हैं उनका रेट भी सही है, रेट नॉर्मल ही है जो होता है। तो गन्ने का रेट इसमें बहुत ज़्यादा है, तो कम से कम 700-800 तो है ही है, मतलब कितना गिरेगा
अगर बाइक गिर भी गया तो 400-500-600 तो जाएगा ही। और मैंने नो मैन स्टैंड के अंदर गन्ना बेचा था तो वहाँ पर तो रेट 170-180 रुपये था, तो यहाँ पर तो 10 गुना रेट चल रहा है। तो कहाँ पर भाई 100-150 रुपया और कहाँ पर देखो इतना। तो यहाँ पर लगा देता हूँ मैं इसको गन्ने को। वैसे तो गन्ना इससे नहीं लगता, ये तो मोड़ है, गन्ना लगाने के लिए दूसरे आते हैं प्लांटर। अगर उससे गन्ना लगाऊंगा तो भाई फिर मैं सारी ज़िंदगी यहाँ पे गन्ना ही लगाता रहूँगा। तो मैं मोड़ है, ये मोड़ इस्तेमाल करूँगा भाई, इसके अंदर $1,000 चैलेंज बिना मोड़ के नहीं होगा। तो इसको लगा देता हूँ और फिर उसके अपना काम करता हूँ। मैंने इसके अंदर उतना ही माल, मैंने इसके अंदर $1,00,000 था, मैंने इसके अंदर सीड और लिक्विड फर्टिलाइज़र और ये भरा है सीड, तो भाई सारे पैसे ख़त्म हो गए। सिर्फ मेरे पास अब बचा $20,000। अब उसको रुपये में समझ लो या डॉलर में समझ लो, आपकी मर्ज़ी। तो इसको करता हूँ भाई ऑन और वी से करते हैं डाउन, ठीक है भाई। यहाँ पे लगा देते हैं हेल्पर, ठीक है, गन्ना लग रहा है फर्स्ट क्लास। तो इस ट्रॉली को यहाँ से हटाना पड़ेगा भाई रास्ते में से, इसको उधर ले चलते हैं साइड में। तो अभी काफ़ी सारी मैंने उठा ली है स्ट्रॉ, तो बहुत सारी उठा ली है, लेकिन अभी खेत अभी कटा नहीं है मैंने। हालांकि दो हार्वेस्टर लगा रखे हैं, इस खेत में कम से कम 3-4 हार्वेस्टर लगेंगे तब जल्दी काम होगा, लेकिन अभी इतने पैसे नहीं हैं। आए हैं, देख रहे हो आप कितने पैसे बचे। पैसे तो आए थे लेकिन भाई खेत भी तो खरीदना है, खेत नहीं होंगे तो फसल कैसे होगी, फसल नहीं होगी तो पैसा कैसे आएगा। तो अभी ट्रॉली को निकालते हैं हम बाहर, इसको ले चलता हूँ दूर थोड़ा सा। इसमें बहुत जगह है यार, देखो ये बहुत अच्छी चीज़ है इसके अंदर, इसमें जगह काफ़ी है। चलो लगने देते हैं गन्ना, बस खेत अपना थोड़ा सा बचा जब तक मैं स्ट्रॉ उठाता हूँ इससे। और अभी तक मेरे को 1.5 मिलियन स्ट्रॉ मिल चुकी है, तो देखेंगे जितनी रखनी है रख लेंगे, बाकी बेच देंगे या साइलो में डाल देंगे। तो लो गाइस, राय भी कट गई और ये देखो भाई दोनों टकराने वाले हैं, इसको हटा लेंगे जल्दी से। आ जा जल्दी जल्दी जल्दी, पीछे कर। लो भाई राय का काम भी हो गया, ये आखिरी लाइन है, बस काट देते हैं इसको जल्दी से। और लो तो यार गन्ने वाले का तो भाई एक ही लाइन लगी है और एक लाइन भी नहीं लगी और गन्ने का बीज उड़ गया भाई सारा। 30,000 बीज था, 30,000 सीड, और फर्टिलाइज़र पूरा है 32,000। फर्टिलाइज़र बहुत कम लगता है लेकिन भाई सीड देखो, सीड ने तो भाई कमाल ही कर दिया, तो सीड सारा ख़त्म हो गया भाई। चलो अब हार्वेस्टर, यार वो इधर आ रहा है हार्वेस्टर, एक काम करते हैं यार उस हार्वेस्टर को इधर लेके आते हैं, क्योंकि दोनों एक तरफ खड़े कर देंगे यार तो दिक्कत नहीं होगी। चल भाई तू उधर ही चल। और स्ट्रॉ उठा लिए मैंने काफ़ी सारी, स्ट्रॉ मुझे लगता है साइलो में नहीं जाएगी शायद, देखता हूँ। तो मतलब गन्ने का बीज भाई इस भाई, तो सारे पैसे जितने मैं कमाऊँगा सारे गन्ने में चले जाएंगे, लेकिन गन्ना पैसे बहुत देगा, लेकिन भाई इतना सारा बीज कैसे लगेगा। तो गन्ने की जगह कुछ और लगाना पड़ेगा, और मेरा 30,000 जो मैंने लगाया था वो नुकसान हो गया। अब देखता हूँ अभी, तो मैं सोच रहा हूँ 7 नंबर फील्ड को बेच ही दूँ यार, उसके बारे में मैंने काफ़ी सोचा, क्योंकि 7 नंबर फील्ड को रख के फ़ायदा नहीं है, एक तो ऊंचा नीचा और छोटा सा बहुत है। तो उसको बेच के उसका बीज, उसका जो पैसा आएगा उसका बीज लगा देते हैं गन्ने का यहाँ पर, क्योंकि पैसा बहुत सारा चाहिए। अभी कम से कम $5 मिलियन चाहिए गन्ने का बीज लगाने के लिए, भाई $3-4 मिलियन लग जाएगा इसमें बीज, पक्की बात है। तो चलो इसको तो डालें यार, राई इसके अंदर मिली है भाई 3 लाख सिर्फ। ओहो यार राई बहुत ही कम मिलती है यार, बहुत ही, तो राई नहीं लगानी चाहिए, नहीं तो ताया ताई नहीं कुटेगा, मैंने पहले भी तुम दस्या सी। मज़ेदार नहीं है राई बहुत ही, लेकिन स्ट्रॉ मिल गई है उससे काफ़ी सारी, बस स्ट्रॉ का फ़ायदा है कि स्ट्रॉ भी बिक जाती है, नहीं तो राई अगर राई की स्ट्रॉ ना मिलेगी तो भाई ये तो बर्बाद फसल है, इसमें कोई मज़ा नहीं है। तो इसको लगा के कोई फ़ायदा नहीं है मुझे लगता है, इसलिए इसको लोग कम लगाते हैं। चलो भाई इसको खड़ा करते हैं यहाँ पे, इसका काम हो गया। अब नूर कहाँ जा रही है, अरे भाई चलना इधर, ये देखो पता नहीं कहाँ भाग रही है। तो रेंच है वहाँ पर मेरे पीछे, वो सामने देखो हरी हरी लाइन नज़र आ रही है, तो मैंने टैग कर दिया था। अभी चलते हैं वहाँ पर इसको राई को बेच के, फिर प्लानिंग करता हूँ उसके बाद। अभी बस मेरे को गन्ना लगाना है और ये सारी स्ट्रॉ उठानी है, अभी तो यही प्लानिंग है, बाकी फिर बाद में होगी। तो 7 नंबर को मैं सोच रहा हूँ अभी अगर इसको बेचता हूँ, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए, इससे मुझे मिलेंगे सिर्फ 5 लाख रुपया, तो इसको कर देता हूँ मैं सेल, ठीक है। अभी मेरे पास आ गए 5 लाख, 4,88,000,
तो 5 लाख का गन्ने का बीज लगता है, कितने का लगता है अभी बाद में पता चलेगा। तो अभी राई बेच के देखते हैं कितने पैसे और मिलते हैं। तो कितनी राई हुई अभी टोटल? 6 लाख। इतने बड़े खेत से 6 लाख राई, बताओ बहुत ही नाइंसाफी है। चलो चलते हैं, इसको राई को बेचते हैं फटाफट से और देखते हैं कितने पैसे देगी। भाई 700 रुपये रेट है, तो 70/56 तो 6 लाख रुपये मिलेगा भाई इसका सिर्फ। अगर 1 मिलियन होती तो मिलता 7 लाख के आसपास। तो चलो $1 मिलियन तो अपने पास शायद हो ही जाएगा। पहुँचते हैं वहाँ पर। लो भाई आ गए उसके पास, रेंच के पास पहुँच गए। रेंच तो रेंच होती है छोटी सी जगह जिसमें आपका खेत, आपका घर, जानवरों की जगह, ये उसको बोलते हैं रेंच। तो रेंच स्पेनिश वर्ड है, स्पेनिश का है ये। तो रेंच सिमुलेटर भी बोल रहे हैं भाई खेलो। तो उसके अंदर भी यही है, बस मकान बनाओ अपना टूटा हुआ और अपने मुर्गी वुर्गी बेचो, पैसे कमाओ। खेत है वहाँ पर, खेती कर सकते हो। तो रेंच का मतलब ही तो पता होना चाहिए ना कि रेंच किसको बोलते हैं। तो ये देखो ये छोटी सी रेंच है, यहाँ पर रेंच पॉइंट बना रखा है भाई ने, यानी कि तो वहाँ पर अपना ये बिकेगी, फसलें बिकती हैं, मतलब और भी बिकेंगी। और ये नीले पीले से ट्रक आ रहे हैं मेरे सामने से, भाई अच्छे ट्रक बना रखे हैं। देखो डंपर ट्रक जा रहा भाई माल लेके, इंडिकेटर लगाते हैं और मुड़ते हैं, यहाँ से गाड़ी आ रही है, गाड़ी वाले से पहले निकाल लेंगे। अरे रुक जा, देख नहीं रहा। तो ये है भाई, भाई ने छोटा सा रेंच बना रखा है देखो। और देखो पीछे घोड़े पाल रखे हैं भाई ने। और यहाँ पर अच्छा पॉइंट ये अच्छा है, ये वाला पॉइंट बढ़िया है, शुक्र है कि फंसा हुआ नहीं है। तो पीछे देखो भाई ने अपना मकान बना रखे कितने सारे, और पानी की झील, अच्छा पानी की नदी भी है यहाँ पे। लो भाई $5,30,000 मिले, बस इतने मिलने थे, मुझे पता था 70/56 तो 5 लाख कुछ मिला। तो यहाँ भाई ने घोड़ा पाल रखा। अच्छा ये घोड़ा इस पर बैठ सकते हैं क्या? एक मिनट, तो ये नहीं, इसके ऊपर हम नहीं बैठ सकते क्योंकि हमारा नहीं है ये, वैसे ही भाई ने बना रखा है। नहीं इसके ऊपर हम नहीं बैठ सकते, लेकिन ट्रेनिंग है यहाँ पर, हम घोड़े को लाकर ट्रेनिंग दे सकते हैं। चलो ठीक है, तो अभी चलते हैं वापस अपने खेत पे, इसको छोड़ देते हैं अभी यहीं पे। अभी मुझे ये उठानी है। और भाई गन्ने का बीज देखो यार, गन्ने का बीज तो मुझे बर्बाद कर देगा। ओ भाई एक लाइन, अभी तो मुझे इसके अंदर कम से कम 20-25 लाइन लगानी है। तो एक लाइन में लग गया 30,000 का, तो मतलब 2 लाइन में लग गया 75,000। भाई बहुत महंगा पड़ेगा गन्ना। तो अभी तो देखो इसमें बहुत सारा लगने वाला भाई। तो 5 लाख से कुछ नहीं होगा। अब 7 नंबर खेत तो मैंने बेच दिया, अब इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो चलो जो होगा अब अगली बार होगा, आज इतना ही बहुत है। तो ये था आज $1,000 मिलियन चैलेंज का पहला पार्ट। कैसा लगा आपको बताना कमेंट लाइक करके, और 10,000 लाइक का एम करता हूँ मैं अगले पार्ट के लिए। अगर आपको अगला पार्ट चाहिए तो 10,000 लाइक कर देना, 10,000 कोई ज़्यादा नहीं है। मेरे सब्सक्राइबर हैं 1,28,000, तो मैं सिर्फ मांग रहा हूँ 10%, अगर 10% लोग भी इस वीडियो को लाइक करेंगे तो 10,000 लाइक आराम से हो जाएंगे। अब अगली बार मैं 50,000 लाइक भी देने वाला हूँ आपको एम, अभी तो मैं सिर्फ दे रहा हूँ 10,000 का। तो अगले पार्ट के लिए लाइक करो, दबा के शेयर करो, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। और फिर अगली बार गन्ना भी लगाता हूँ, देखता हूँ कैसे लगेगा, तो अगली बार बताऊँगा आपको गन्ना कैसे लगा, कितने का लगा। हाँ आज का हिसाब किताब बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। तो आज हम फायदे में ही हैं क्योंकि हार्वेस्ट इनकम आज हमें हुई है 2 मिलियन की, ऑनियन और राई बेच के। और वीट मैंने डाल दी थी वापस, और सोल्ड व्हीकल, अच्छा मैंने वो जो बेचा था, हाँ भाई एक काम रह गया था गैराज के अंदर, वो मैंने, अच्छा लीज आइटम, भाई इनको एक मिनट भेज देते हैं, एक सेकंड, अभी ख़त्म नहीं हुई भाई कहानी, रुक जाओ, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, कहाँ जा रहे हो, अभी रुक जाओ। तो ये ट्रॉली मैंने ले रखी है किराए पे, अभी इनको वापस कर दूंगा, नहीं तो भाई इनका 2 दिन का किराया लग जाएगा, अभी पैसे नहीं है। अब प्लांटर को मैं अभी प्लांट करके इसको बाद में वापस कर दूंगा। हाँ गैराज के अंदर ऑन आइटम के अंदर पानी का टैंक है, ये ट्रॉली है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको भेज देंगे भाई, कुछ पैसे आएंगे। ये पानी का टैंक मुझे नहीं चाहिए, छोटा है। ये ट्रैक्टर सही है, लेकिन ये फेंडेड वैरियो 1050 है, अच्छा है, लेकिन ये बहुत छोटे हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है अभी। तो ये 270 हॉर्स पावर का, इसको भेज देंगे क्योंकि ये बहुत छोटा है। और ट्रक ये वाला बेकार है, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ट्रक बाद में लूँगा, और इसको भी भेज दूँगा अभी। तो ये पैसे कमाने का तरीका हो रहा है। ये है 12 का, ये बहुत छोटा है, इस मैप के हिसाब से बहुत छोटा है। और अभी देखता हूँ ये कल्टीवेटर 12 मीटर का, इसको बेच देंगे, छोटा है भाई, बाद में बड़ा लेना पड़ेगा।
तो कल्टीवेटर की जरूरत नहीं पड़ती हमें, क्योंकि हमारे पास जो प्लांटर होते हैं उसके अंदर ही कल्टीवेटर होते हैं, तो कल्टीवेटर वो कर देते हैं। और ये प्लांटर है और ये सीडर है, तो ये प्लांटर सीडर की अभी जरूरत नहीं है, इनको भी भेज देंगे। तो ये मैं पहले करता हूँ वैसे आज, लेकिन मैं आज एंड में कर रहा हूँ। तो भाई गन्ना लगाना है, उसके लिए पैसे चाहिए। ये है अपना फर्टिलाइजर का 9,000 का, ये छोटा है, बाद में हम बड़ा लेंगे, इसको भी बेच देते हैं। और ये हो गया अपना घास काटने के लिए, ये हम लेंगे लेटेस्ट वाले, ये पुराना मॉडल है, हम नया दिखाऊंगा आपको, जिससे कि घास इकट्ठी अपने आप इकट्ठी भी हो जाएगी, काटेगा भी इकट्ठी भी हो जाएगी। हमें उसके ऊपर मोवर, ये मोवर, हाँ मोवर चलाने का हमें कोई मतलब नहीं है उसके ऊपर, मतलब हमारा टाइम बचेगा बहुत ज़्यादा। और ये एक मैंने खरीद ली है अपनी घास स्ट्रॉ उठाने के लिए, स्ट्रॉ घास, ये इतनी, ये भाई इतनी सारी फसलें उठाएगी। और बेलर से अभी बेल नहीं बनाने वाला मैं, खैर चलो इसको रहने देते हैं अभी। और ये बाकी सामान तो चाहिए, हाँ भाई हैडर था एक, उसका हैडर मैंने बेचा नहीं, हैडर उसका हैडर कहाँ चला गया, एक हैडर था, मैंने हार्वेस्टर तो बेच दिया, हैडर उसका रह गया था, हैडर कहाँ पे गया, हैडर भी शायद बेच दिया मैंने। तो चलो इतना सामान मैंने बेचा, अब हमारे पास हो चुके हैं $1.8 मिलियन, तो 8 लाख रुपए आया मुझे सामान बेच के। तो बाकी मुझे लेना भी है, लेकिन मैं तब लूँगा जब थोड़े से $20-25 मिलियन हो जाएंगे या $50 मिलियन हो जाएंगे, क्योंकि पहले सबसे ज़रूरी है फसल लगाना और उसको बेचना, उसके बाद ही तो हम अपने पशु खरीद सकते हैं और उनको खाना खिला सकते हैं। ठीक है, तो चलो यार ये था आज का गेम प्ले, कैसा लगा बताना कमेंट लाइक करके, और 10,000 लाइक का एम है इसके ऊपर अगले पार्ट के लिए। फिर मिलेंगे आपसे अगले पार्ट में, तब तक ले भाई अपना ख्याल रखिए, खाएं पिए स्वस्थ रहे और एकदम मस्त रहे। ओके दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलते हैं जल्दी। थैंक यू आपके इतने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए और भाई आपकी सपोर्ट के लिए, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।